गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्लूमिंग गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने एक बहुत ही बेहतरीन सक्यूलेंट के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। होप सो आप सभी को वो इन्फॉर्मेशन पसंद आए और आप भी इस तरह का एक सक्यूलेंट अपने घर पे लाएं। फ्रेंड्स, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये एक सक्यूलेंट है। इसका बेसिक नीड तो यही होता है कि आप इसे फुल सन लाइट में रखें। और मेरे पास जो ये सक्यूलेंट है इसकी बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी है कि ये जो है समर्स में पूरा ग्रीन हो जाता है और जैसे जैसे विंटर्स पड़ते जाते हैं वैसे वैसे ये जो इसकी लीव्स हैं ये एकदम रेड रेड होने लग जाती हैं। आप देखिए रेडिंग लीव्स जो हैं रेड टर्न होने लग गई हैं और जैसे जैसे विंटर आएगा तो इसकी सारी लीव्स जो हैं बिल्कुल रेड हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट, पूरे विंटर्स में इसी तरीके से रेड लीव्स हो जाएंगी इसकी। पूरा अभी जो कुछ लीव्स ग्रीन हैं वो भी धीरे धीरे रेड हो जाएंगी। उसका अपडेशन भी मैं आपको ज़रूर दूंगी कि ये पूरा रेड होने के बाद कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट में जो है मैं कोई बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जो मैं खाद DAP रेगुलर अपने और प्लांट्स में डालती हूँ उसी के 3-4 दाने जो हैं मैं स्पॉट पे भी डाल देती हूँ। और ये प्लांट जो है मैंने परचेज़ जो किया था मैं 35 रुपीज़ का लाई थी। 3 या 4 बंच हार्डली होंगे ये, जैसे इस टाइप के 2 या 3 बंच थे जब मैं लाई थी और मैं इसे नैनीताल से परचेज़ किया था। आप जो अभी मेरे पास ये प्लांट है इतनी बड़ी कंडीशन में है तो ये आपको 350 के अराउंड नर्सरी में मिलेगा जिस कंडीशन में अभी मेरे पास ये है। और इसका जो सबसे अच्छी चीज़ होती है इस प्लांट की, ये इसकी लीव्स से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसको जैसे लीव्स होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं इसकी लीव्स, आप इसे लीव्स से भी ग्रो कर सकते हैं। इसी के लीव्स के साइड साइड से ये स्प्राउटिंग करने लग जाता है और यहाँ पर इसके आप देखेंगे जगह जगह से बंचेस निकल रहे हैं। ये लीव्स से ही नीचे से इसके जड़ें भी निकल आती हैं। प्रोपोगेशन का तरीका इजीली है, या तो आप कटिंग इसकी लगा दीजिए, इसके स्टेम से जो है इस तरह से छोटे छोटे बंचेस जो हैं लीव्स के निकलने लग जाएंगे। नहीं तो आप इसके लीव्स अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो आप उसे फेंकिए मत, आप इसको डायरेक्ट जो है मिट्टी पे या रेत पे, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। रेत पे आप इसे ऐसे थोड़ा सा डिप कर दे पानी डाल के, ये उसमें ही जो है 8-10 दिन में इसकी जड़ें निकल आती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इसका है, आप इसे पानी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, पानी बहुत कम चाहिए होता है। सर्दियों में तो आप इसे 20 दिन में 25 दिन में पानी दीजिए। इसकी लीव्स जो होती हैं फ्लैशी होती हैं इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी मिट्टी जब आप बनाएं सॉइल इसकी, क्या किसी भी सक्यूलेंट की सॉइल जो होती है उसमें 50% आप रेत का इस्तेमाल कीजिए और 50% अपना गार्डन सॉइल लीजिए। बहुत इजी तरीके से ये जो होता है रेत पे ही अच्छे से जो है ग्रो करता है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और ये प्लांट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। बाय बाय।